गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 37, जिसमें हम मैक्स वेबर का जो रिलीजन एंड इकोनॉमी एक जे टॉपिक देखेंगे एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक्चुअली इसको मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 38, उसमें इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया है, इस थ्योरी का काफी सारा क्रिटिसिज्म भी काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने दिया है। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, IRS ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर में जो सोशल एक्शन हमने देख चुके हैं, आइडियल टाइप देख चुके हैं, पावर एंड अथॉरिटी ये भी देख चुके हैं, एंड ब्यूरोक्रेसी ये भी देख चुके हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आज ये देखेंगे हम, प्लस नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्रिटिसिज्म। और जैसे कि आपको पता है, क्योंकि मेरा जो सिर्फ मोटिव ये नहीं है भी आपको वो जो लास्ट के क्वेश्चन है वो कौन से कहाँ से आए हैं, सिर्फ उसी तक नहीं है, जो फ्यूचर के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो एक जब मैं मैक्स वेबर के बारे में पढ़ रहा था, इग्नो के नोट्स और सारे नोट डिफरेंट नोट्स देख रहा था, तो मुझे पता चला मैक्स वेबर की एक जो आइडल टाइप है ऑफ रैशनैलिटी, और उसी के साथ एक टॉपिक है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, तो वो भी हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये मैक्स वेबर की एक बुक थी, तो ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो जिसका मतलब है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस जो मैक्स वेबर ने जो इसको स्टडी किया था, उसमें उसने कौन कौन सी अप्रोचेस लगाई। उसने एक तो हिस्टोरिकल मेथड लगाया। जब हम मेथडोलॉजी करेंगे, सोशियोलॉजी का रिसर्च के लिए मेथडोलॉजी क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं तो हम देखेंगे उसमें। तो उसने एक हिस्टोरिकल मेथड लगाया। आप इस हिस्टोरिकल मेथड की डेफिनेशन देख लीजिए, द हिस्टोरिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवेंट्स। लाइक हम कुछ इवेंट्स स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, जैसे कि हमने स्टडी किया फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्या थे, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिनको हमने स्टडी किया। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी किया तो हमने मॉडर्निटी में कहा, हमारे यहाँ पे क्या आई यूरोप में, वेस्ट में पॉलिटिकल मॉडर्निटी। और जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टडी किया तो हमने क्या कहा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है। जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टडी किया तो हमने मॉडर्निटी कौन सी देखी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी। रेनेसांस देखा हमने, जब रेनेसांस एक जो एक मूवमेंट थी, तो उस टाइम हमने क्या कहा, एक क्या आई है, आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। इसी तरह जब हमने देखा द कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, क्योंकि आप देखोगे जो मॉडर्निटी वेस्ट में आई, वेस्ट मीन यूरोप, और जो मॉडर्निटी इंडिया में आई, तो दोनों के जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे क्या था, थ्रू रेनेसांस। लेकिन इंडिया में जो मॉडर्निटी आई, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी और जो इकोनॉमिक मॉडर्निटी थी वो कैसे आई थी, द कॉलोनियल रूल। तो हिस्टोरिकल मेथड ऐसे इवेंट्स को स्टडी करता है, द प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेस हो रही है। जैसे कि सोशल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या दी है, एज गिन्सबर्ग से द सोशल प्रोसेस मीन द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंक्लूडिंग कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, अरेस्ट एंड डिके। तो जो भी कुछ भी ये जो इंटरेक्शन जो हो रही है इंडिविजुअल्स में, जैसे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की एक अगर आप देखोगे, इसकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सकती है, रशियन रेवोल्यूशन हो सकती है, तो इनको स्टडी करके जो एक कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, द हिस्टोरिकल मोड ऑफ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट, द टर्म सोशल प्रोसेस रेफर टू रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच आर कॉमनली फाउंड इन अ सोशल लाइफ। तो ऐसे कई बार जो सोशल प्रोसेस पूछ लेते हैं, तो आपको जो डेफिनेशन देख लीजिए, ये नाम वगैरह अपना, ये नाम वगैरह थोड़ा थोड़ा रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। And the institutions of past civilization for the purpose of finding the origin of antecedent and contemporary social life, thus of understanding its natural and purpose. So historical method में जैसे institution of past civilization, जैसे institution क्या था past civilization का, जैसे हम slavery देख रहे थे, slavery एक institution था,
तो आज के टाइम पे जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हो रही है, तो ये सब क्या थे, जो भी इंस्टीट्यूशन पास थे हम स्टडी करते हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। मैंने आपको वो दिखाया था जब हमने सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री को एक इंट्रैक्शन की थी, तो मैंने आपको दिखाया था कैसे जो सोशो हिस्टोरिकल वो इवेंट्स हैं वो आज भी कैसे कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हमने एडवर्ड कॉलस्टोन स्टैचू जो कोलैप्स कर रहे थे, तो ये हिस्टोरिकल मेथड है। मैं इतना इस पे फोकस क्यों किया हिस्टोरिकल मेथड पे, इसको डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में कई बार डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड। क्योंकि कंपैरेटिव मेथड को डर्किन क्या कहता है, कंपैरेटिव मेथड इज इटसेल्फ ए सोशियोलॉजी। तो इस तरह ये कई बार ऐसे मेथड पे भी आपको 10-10 मार्कर्स का या 20 मार्कर्स का ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो प्लीज ये मेथड्स आप देख लीजिए। बाकी हम जब ये थिंकर्स खत्म हो गए, तो उसके बाद ये हमने जो मेथडोलॉजी है सोशियोलॉजिकल रिसर्च, जो मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड चैप्टर जो स्किप करवाया था, उसके बाद थिंकर्स के बाद वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है इंटरप्रिटेटिव मेथड। तो मैंने आपको बताया था इंटरप्रेट करो दूसरों की वैल्यूज क्या है। तो जहाँ पे मैक्स वेबर ने, जब हिस्टोरिकल मेथड कैसे इन्होंने यूज किया, जब उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो कि चर्च के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, ये प्रोटेस्टेंट क्या है, ये आप मेरा फर्स्ट जब लेक्चर देखोगे, मींस द सोशल चेंज इन यूरोप, जब मैंने रेनेसांस की बात की थी, मॉडर्निटी की बात की थी, तो उसमें आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। तो हिस्टोरिकल मेथड, तो उसमें जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था, एक हिस्टोरिकल इवेंट था, तो मैक्स वेबर ने उसको स्टडी किया और बताया भी कैसे ये कैपिटलिज्म को ओरिजिनेट कर रहा है। इंटरप्रेटेटिव मेथड, तो इंटरप्रेट करना दूसरों की वैल्यूज को, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया जैसे कि क्या वैल्यूज हैं जो प्रोटेस्टेंट, जो कैल्विन्स हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट भी दो तरह के सेक्ट थे, एक लूथरनिज्म, एक तो जो मार्टिन लूथर का था, एक जॉन कैल्विन का था। तो जो दो प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट मीन्स द रिलीजन, प्रोटेस्टेंट का क्या है, द रिलीजन ऑफ प्रोटेस्ट। तो द रिलीजन ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, विच चर्च जो एक ऑर्थोडॉक्स हो रही थी उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद इन्होंने इंटरप्रेटिव मेथड स्टडी किया, इंटरप्रेटिव मेथड को कैसे यूज किया, उन्होंने इंटरप्रेट की वैल्यूज को, और बस्टियन मेथड स्टडी किया उनको, बस्टियन एंड आइडल टाइप। आइडल टाइप हम देखेंगे जब इन्होंने लीगल रैशनल कैपिटलिज्म की एक आइडल टाइप बनाई। पहले उन्होंने कैपिटलिज्म की आइडल टाइप बनाई, कैपिटलिज्म की आइडल टाइप, तीन तरह के कैपिटलिज्म बनाए, फिर उस तरह उसके बाद लीगल रैशनल कैपिटलिज्म की उन्होंने आइडल टाइप बनाई, कैपिटलिज्म की जहां पे चार टाइप्स बनाई थी उन्होंने, भी चार तरह के कैपिटलिज्म होते हैं, फिर लीगल रैशनल कैपिटलिज्म की आइडल टाइप बताई, इशेंशियल एलिमेंट्स बताए। उसके बाद उन्होंने आइडल टाइप किसकी बनाई, प्रोटेस्टेंट रिलीजन की जो कैल्विनिज्म का, उसकी उन्होंने एक क्या बनाई, आइडल टाइप बनाई। वर्स्टियन मेथड क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की भी दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और कंपैरेटिव मेथड क्या है, कंपेयर किया, जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को कंपेयर किया, जुडाइज्म को इन वेस्ट एशिया एंड कॉन्फ्यूशनिज्म इन चाइना एंड हिंदुइज्म इन इंडिया, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को कंपेयर करके दिखाया भी, यानी कि ये देखिए किस तरह जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है इसने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, एंड जो हमारा दूसरा है मीन्स कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, लेकिन जो दूसरे रिलीजन है वो कैसे कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, तो कंपैरेटिव मेथड भी यूज किया। तो आप देखिए एक एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कैसे मल्टीपल मेथड्स इन्होंने यूज किए। तो ये कंपैरेटिव मेथड क्या है, ये एक छोटी डेफिनेशन है, कई बार डेफिनेशन प्लीज आप ये नोट कर लीजिए, करिए। द कंपैरेटिव मेथड इज वेयर द रिसर्चर कलेक्ट डेटा अबाउट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या हो गए, हिंदूज हो गए, ज्यू कम्युनिटी होगी, जो चाइनीज हो गए, जो कन्फ्यूशनिज्म को फॉलो करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कंपेयर किया इसने, एंड कंपेयर्स वन ग्रुप एंड अनदर टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एविडेंट इन वन ग्रुप एंड व्हाट नॉट अनदर। तो अब देखिए एक रिसर्च में कैसे मल्टीपल मेथड्स भी यूज हो सकते हैं। तो अब मैंने बताया भी पहले तो इन्होंने कैपिटलिज्म को स्टडी करने के लिए कैपिटलिज्म की आइडियल टाइप स्टडी की, कैपिटलिज्म की आइडियल टाइप बनाई। कई बार आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में विजन के मैक्स वेबर की एक्सप्लेन द आइडल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म बाय मैक्स वेबर, ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया,
अब आपने कहा भी सर ने तो प्रोटेस्टेंट अफ्रीकन स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ाया था, ये आइडियल टाइप कहाँ के आ गई कैपिटलिज्म की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस तरह आपको जिस सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये चार तरह की आइडियल जो कैपिटलिज्म की टाइप्स हैं, ये चार तरह की बताई हैं मैक्स वेबर ने। तो प्लीज जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने अथॉरिटी देखा था, तो अथॉरिटी में हमने देखा था तीन तरह की अथॉरिटीज होती हैं, ट्रेडिशनल, क्रिस्मैटिक एंड लीगल रैशनल। उसी तरह प्लीज आप जो कैपिटलिज्म की भी चार टाइप याद रखिए, बूटी कैपिटलिज्म, परिहा कैपिटलिज्म, परिहा ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म एंड लीगल रैशनल कैपिटलिज्म, जो कि सोशियोलॉजी एक टाइम पे आके अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक टाइम पे आके आपको जहाँ पे रटना भी पड़ता है, आपको एक चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। तो अब बूटी कैपिटलिज्म क्या है, बूटी का मीनिंग क्या होता है, लूटपाट करना। तो बूटी कैपिटलिज्म क्या है, जैसे क्या होता है ट्राइबल वॉर्स होते थे, तो उस टाइम क्या करते थे ट्राइबल, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब पे अटैक कर देती थी, दूसरी ट्राइब पे अटैक किया, जो भी उनसे जो भी विनिंग ट्राइब थी, जो ट्राइब लॉस्ट कर देती थी उससे जो भी लूट लेते थे, तो उसको क्या बोला मैक्स वेबर ने, बूटी कैपिटलिज्म। सेकंड है परिया कैपिटलिज्म। परिया का एग्जांपल क्या है, आउटकास्ट। जैसे अगर आपने देखा होगा जो ज्यू कम्युनिटी है, ज्यू कम्युनिटी है, इनके जो अगेंस्ट था काफी प्रोटेस्ट किया, इनके खिलाफ काफी एट्रोसिटीज हुई, तो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन मानते हैं, इसका जो मैंने काफी इस पर रिसर्च की भी, मीन्स इतना ज्यादा जो एंटी सेमेंटिज्म बोलते हैं इसको, एंटी सेमेंटिज्म, जो ज्यू कम्युनिटी पे इतना ज्यादा एट्रोसिटीज क्यों होती है, तो मैंने जो रिसर्च की इस पे, तो ज्यू कम्युनिटी क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मानते हैं, जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट, वो क्रूसीफाई इसलिए हुए थे बिकॉज ऑफ ज्यू कम्युनिटी। ये पता नहीं क्या सही, ये सही है क्या गलत है, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा था। तो मीन आप अगर देखा होगा एंटी सेमिटिज्म, जैसे हॉलोकास्ट का हमने इवेंट देखा बाय द एडॉल्फ हिटलर, तो परिया क्या थे, द आउटकास्ट, मीन जैसे ज्यू कम्युनिटी वहां पे आउटकास्ट थी, तो ज्यू कम्युनिटी यहाँ पे क्या करती थी, मीन्स क्योंकि वो फिर मनी लैंडिंग एक्टिविटीज में एंगेज होती थी, एब्सटेंड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजिकल एक्टिविटी, सोशियो कल्चरल एक्टिविटी, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज से उनको एब्सटेंड किया गया था, और ये क्या था भी एक तरह का अपने अलग से रहते थे, तो ये एक तरह का परिया कैपिटलिज्म। फिर है ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म, जिसको जिस जो एक तरह का क्या है फ्यूडलिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था जहाँ पे क्या था किंग की अपनी कोई आर्मी नहीं होती थी, ये लैंड लॉर्ड्स होते थे, और जहाँ पे लैंड लॉर्ड्स के नीचे कौन थे, नाइट्स और पीजेंट्स। तो लैंड लॉर्ड्स क्या करते थे, पीजेंट्स की लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे अगर लेबर का प्रोडक्ट कितने आया, 100 आया है, तो 90 खुद रखते थे, 10 क्या करते थे ये खुद। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म और लीगल रैशनल कैपिटलिज्म में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था भी, जहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो सरप्लस था उसको क्या करते थे, उसको खुद यूज, उसको ना ये लग्जरियस लाइफ में जीने में वो करते थे, स्पेंड करते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लीगल रैशनल कैपिटलिज्म था, वो कहाँ पे क्या करते थे, री इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि प्रॉफिट और जनरेट हो सके, द ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। फिर आता है हमारा लीगल रैशनल कैपिटलिज्म, इसमें क्या है मीन्स इसके काफी तीन चार पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जैसे कि जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं मैंने आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो लेबर एंड कैपिटलिज्म है, जो लेबर एंड एंटरप्राइज है, वो क्या है, लीगली बाउंड है, मीन्स जहाँ पे प्रॉपर लॉज हैं, जैसे कि हमारे जहाँ पे अभी आपने देखा होगा जो 48 लेबर लॉज थे, 48 लेबर लॉज थे, उनको 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया गया, 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी एक ना याद रखिए, एक्ट
एंड कोड में क्या डिफरेंस होता है? ये एक बार मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्ट एंड कोड में क्या डिफरेंस है? जो एक्ट होता है जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन कोड देखेंगे आप डायरेक्ट टैक्स कोड। तो जैसे फोर लेबर कोड्स हैं, तो मींस जो एक्ट होता है वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज को एड्रेस करता है, लेकिन जो कोड होता है वो कॉम्प्रेहेंसिव होता है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें सभी पर्सनल लॉ। तो ये कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऊपर से क्या है, जो लेबर है वो क्या है, फ्री है, मीन वो अपने आप से कहीं भी जा सकती है, कहीं पे भी लेबर कर सकती है। लेकिन जैसे कि जहां पे ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म अगर आप देखोगे, जो पीजेंट्स थे वो बाइंड थे एक लैंडलॉर्ड के साथ, वो ऐसा नहीं था भी एक लैंडलॉर्ड को छोड़कर दूसरे लैंडलॉर्ड के पास चले गए। तो जहां पे ये क्या थे, पीजेंट्स वो थे, बाइंड थे। तो ये जहां पे, तो लीगल रैशनल कैपिटलिज्म। एंड और क्या है, भी लेबर कहीं भी जा सकती है, अपने बेजेस डिसाइड कर सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी COVID-19 के कारण क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है, तो लेबर काफी चलेगी, तो अभी लेबर का जो प्राइस है वो बढ़ गया। और जहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मीन मार्केट डिसाइड करती है कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, और जहां पे एंटरप्राइज का मेन क्या होता है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट। तो ये लीगल रैशनल कैपिटलिज्म। तो अभी ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं क्लास, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैं ये छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बड़े लेक्चर अगर मैं एक डेढ़ घंटे का कंटिन्यूस लेक्चर अपलोड कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स वो देखते नहीं है प्रॉपर। तो इसलिए ये इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।